अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी 4 इंच का बंदर देखा है? और क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां बंदरों को वेटर बनाया जाता है? और इसके अलावा क्या आपको पता है चाइना में मरे हुए बंदरों के दिमाग को बहुत शौक से खाया जाता है? आप आज जानोगे बंदरों के बारे में कुछ ऐसे ही हैरान कन फैक्ट जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। मैं हूं इजाज और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं बंदरों को 2 अलग अलग किस्मों में डिवाइड किया गया है जिसमें न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी शामिल है, यानी नई दुनिया के बंदर और पुरानी दुनिया के बंदर। नई दुनिया के बंदर अमेरिका में पाए जाते हैं जबकि पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। जो नई दुनिया के बंदर हैं इनके 36 दांत होते हैं और जो पुरानी दुनिया के यानी ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं उनके 32 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर 2, बंदरों की भी फिंगरप्रिंट्स इंसानों की तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में 260 किस्म की अलग अलग नस्लों के बंदर पाए जाते हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 4, जानवरों में बंदर ही एक ऐसा जानवर है जो केले को छीलकर खाता है। फैक्ट नंबर 5, बंदरों को ज़्यादातर फैमिलीज बनाकर रहना पसंद होता है, इसीलिए ये अक्सर ग्रुप बनाकर रहते हैं। इनके एक ग्रुप में तकरीबन 12 से 14 बंदर हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, बंदर आपस में बात करने के लिए आवाज़ के साथ साथ चेहरे के इम्प्रेशन और हाथों से इशारे भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई बात समझा रहा हो। फैक्ट नंबर 7, बंदरों में भी फीलिंग्स पाई जाती हैं। ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ तक कि ये एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे छोटा बंदर 4 इंच का है। इसका वज़न 100 ग्राम है। ये इतना छोटा है कि आप इसे अपने हाथ की हथेली पर भी बिठा सकते हैं। क्या आपने कभी इतना छोटा बंदर देखा है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं जापान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर होटल्स में वेटर्स की जगह बंदर काम करते हैं? इन्हें इस काम के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है और फिर सैलरी के तौर पर इन्हें खाने के लिए केले दिए जाते हैं। ये बंदर ऑर्डर्स लेते हैं, ऑर्डर्स लाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, टेबल साफ़ करते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ काम भी करते हैं। क्या आप भी ऐसे होटल में खाना खाना पसंद करेंगे जहां पर आपका वेटर एक बंदर हो? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट जानकर आपको हैरानी होगी, चाइना में मरे हुए बंदर के दिमाग को लोग बहुत शौक से खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ लोग बिरयानी को पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजफुल फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल रैंडम फैक्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।